में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। विगत 5 वर्षों में दशकों क्रम लंबित चल रही बाण सागर अर्जुन सहायक रुपये के निवेश प्रस्तावों का विभिन्न चरणों में सहायक सरयू नहर सहित कुल 20 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण की गई हैं, जिनसे 21.82 लाख हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन किया गया। इससे प्रदेश के 44.72 लाख कृषक सम्मानित हुए। भारत सरकार द्वारा संचालित योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत बुंदेलखंड क्षेत्र हेतु तृतीय पैकेज में फूल पहाड़ स्प्रिंकलर परियोजना, सहजात बांध स्प्रिंकलर परियोजना एवं मस्त गांव चिल्ली स्प्रिंकलर प्रणाली की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसकी लागत 184.61 करोड़ रुपये है। प्रदेश में 54,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों का कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बेहतर कनेक्टिविटी से विकास कार्य को गति मिलती है, इसलिए मेरी सरकार द्वारा प्रदेश में विश्व स्तरीय एक्सप्रेस वे का नेटवर्क तैयार किया गया है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में सशक्त हो रही है। लखनऊ से गाजीपुर तक 340 किलोमीटर लंबे 6 लेन के प्रवेश नियंत्रित पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नवंबर 2021 में किया गया। गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़ने के लिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित लक्ष्य के अनुसार गतिमान है तथा इस वर्ष जून के अंतिम सप्ताह में कार्य पूर्ण हो जाएगा। 594 किलोमीटर लंबी 6 लेन गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना का कार्य प्रारंभ हो चुका है। राज्य के सभी एक्सप्रेस वे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के बृहद रोड नेटवर्क को सुगम यातायात योग्य बनाए रखने हेतु राज्य स्तरीय अभियान चलाकर गड्ढा मुक्ति विशेष मरपत नवीनीकरण एवं सत्ता सुधार का कार्य प्रगति पर। सभी ब्लॉक मुख्यालयों को चरणबद्ध रूप से 2 लेन चौड़े मार्ग से जोड़े जाने का कार्य प्रगति पर। प्रदेश के विकास में हवाई कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण भूमिका। लखनऊ एवं वाराणसी वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तथा कुशीनगर में नवीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ जेवर जनपद गौतम बुद्ध नगर में नोएडा ग्रीन फील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तथा अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ उत्तर प्रदेश शीघ्र ही 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का एक मात्र राज्य बन जाएगा। सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक होगा। अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण पूर्ण करने हेतु भूमि को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जा चुका। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राज्य में उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। यूपी इन्वेस्टर समिट 2018 प्राप्त 4.68 लाख करोड़ रुपये तक के निवेश प्रस्तावों में से लगभग 3 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों का प्रबंधन विभिन्न चरणों में है। इन निवेशों में से 8 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। आगामी 3 जून को इन्वेस्टर समिट